हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 7। ठीक है, इंग्लिश के लिए, इंग्लिश सब्जेक्ट है और क्लास 7th के लिए, और इसके बाद जो साइंस की वर्कशीट है वो 6 आ रही है। तो द फॉलोइंग पैसेजेस हैव बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर 3 क्वेश्चन। ठीक है, रीड द पैसेज, ड्रॉ द करेक्टर, करेक्टर को मतलब आपको चित्र बनाना है करेक्टर व्हील में, और देन इन ईच सेक्शन राइट द अप्रोप्रिएट वर्ड बाय चूजिंग राइट द ऑप्शन। वर्ड हेल्प बॉक्स आपको दिया हुआ है बाहर, उसकी मदद से सर्कल में आपको लिखना है। हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, जो हर्मिट था वो जंगल में रहते थे, वुड मतलब जंगल में, और वहाँ से कभी नहीं हटे थे। ही वॉज नो वन बट सिंपल पीपल, कोई ऐसे नहीं थे, सिंपल इंसान थे। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, इसलिए किंग भी ऑर्डिनरी क्लॉथ में गया। बिफोर ही रीच द हर्मिट हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स। ठीक है, मतलब उनके घर में, उनकी झोपड़ी में जाने से पहले भी उन्होंने अपना हॉर्स भी छोड़ दिया, अपने बॉडी गार्ड को दे दिया हॉर्स, और कहा कि मैं अकेले जाऊँगा। एज द किंग केम नियर हर्मिट्स हट, उसके घर के पास आए हर्मिट के, ही सॉ हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड, उन्होंने देखा कि हर्मिट जो है ग्राउंड को खोद रहे थे इन फ्रंट ऑफ हिज हट, अपने हट के आगे। ही ग्रीटेड द किंग, किंग का स्वागत किया उन्होंने, कंटिन्यूड डिगिंग और खोदना स्टार्ट किया दोबारे। हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, ओल्ड थे, वीक थे। एज ही वर्कड एंड ब्रीथ हैवीली, मतलब काम जब कर रहे थे तो वो सांस ले रहे थे, तो पता चला था ओल्ड थे, वैसे भी दिखने से पता चल जाता है। चलिए, राइट द नेम ऑफ द करेक्टर होम द किंग वेंट टू विजिट, किसके पास गए थे बताइए। हर्मिट के पास गए रहे थे, तो हमें आपको यहाँ पे सिर्फ यही लिखना है हर्मिट, एच यहाँ आ जाएगा और आर यहाँ आ जाएगा, बन गया हर्मिट। यानी इस फिल इन द ब्लैंक्स में अगर देखा जाए तो इसको हटाते हैं, यहाँ एच लिखेंगे तो, और यहाँ पे आई, ये स्पेलिंग बन गया। किसके पास गए थे, करेक्टर में हमें बताना है कौन सा करेक्टर चल रहा है, तो किसके किसके पास गए थे, हर्मिट के पास गए थे। ड्रॉ स्केच हिज पिक्चर, ड्रॉ कीपिंग इन माइंड द एक्शन ऑफ ट्रेड्स, तो आपको यहाँ पे बच्चे पिक्चर ड्रॉ करनी है, किसकी, बुक में से आप हर्मिट की पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पर ड्रॉ करनी है। ठीक है, कर लेंगे ना आप लोग। ट्रेड्स, गुणों के बारे में बताना है कि हर्मिट कैसे थे, ओल्ड थे, हार्ड वर्क भी कर रहे थे, वीक थे, यंग थे, वीक थे, टायर्ड हो रहे थे, है ना, एनर्जेटिक तो थे नहीं, बुद्धिमान भी थे। तो आपको यहाँ पे ट्रेड्स में लिखना है क्या क्या लिखना है, ओल्ड, हार्ड वर्किंग, वीक भी थे, टायर्ड थे और वाइज थे। एक्शन क्या क्या कर रहे थे, एक्शन मतलब डिक कर रहे थे, जंप कर रहे थे, ग्रीटेड करा या वॉक कर रहे थे, तो डिक हो जाएगा, वॉकड हो जाएगा, ग्रीटेड हो जाएगा, तो हम लिख देंगे डिगिंग, डिगिंग मतलब खोदना, खोद रहे थे ना। ग्रीटेड मीन्स स्वागत करना, कितनी बार, अब तो आपको ये वर्ड याद ही हो गया होगा, और वर्क अपना काम ही तो कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन पूरा कर लिया, व्हील बन गया। विद द हेल्प बी पार्ट ऑफ द करेक्टर व्हील, इसकी मदद से लेट्स ट्राई टू स्केच हर्मिट्स करेक्टर स्केच। चलिए, हर्मिट वॉज अ क्या थे, वाइज थे कि फुलिश, जी वाइज थे। ही वॉज ओल्ड एंड वीक, ही लिव्ड इन द वुड्स एंड वॉज वेरी हार्ड वर्किंग। ठीक है, इसके बाद बच्चे आपको करेक्टर व्हील जो है किंग का भी बनाना है, यहाँ पे ध्यान रखना है, इसी तरह से करेक्टर व्हील बनाना है, आप लोग बना लीजिएगा, और सुंदर सारी बातें यही सेम लिखनी है, लेकिन किसके बारे में होगा, ये किंग के बारे में ध्यान रहेगा, तो आपको करेक्टर व्हील बनाना है किंग के बारे में, ठीक ऐसे ही बनाना है।
चलिए इस तरह से हमारी वर्कशीट पूरी होती है। कुछ नहीं है इसके अंदर, करेक्टर में आप यहाँ पे फोटो लगा लेंगे, यहाँ किंग का नाम लिखना है जैसे हमने ऊपर लिखा है, क्या गुण थे उनके बारे में उसको यहाँ लिख देना, दो वर्ड या तीन वर्ड जो भी है, और एक्शन कौन से काम किए आपको, एक्शन तो इसमें नजर ही आ रहा है किंग का, देखिए किंग ने क्या किया था, ऑर्डिनरी क्लॉथ्स पहने थे, ठीक है, तो पुट ऑन हो जाएगा एक्शन, रीच्ड हो जाएगा एक्शन, केम हो जाएगा एक्शन इनका, तो ये सारा आप लिख सकते हैं। चलिए जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।